करप्शन का ये आलम है हमारी कंट्री में कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी जी के द्वारा अपने आप ये शब्द बोले गए कि अगर हम एक रुपया अपने पास से भेजते हैं तो जनता तक जाते जाते वो 15 पैसे बच जाते हैं, यानी कि बीच में जो एडमिनिस्ट्रेशन या फिर बिचौलिया वो जनता तक पैसा पहुंचने नहीं देते हैं। इसी मुद्दे को लेकर पास्ट में भी बहुत बार हमारी कंट्री में प्रोटेस्ट हुआ और ये प्रोटेस्ट 2011 में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया जब अन्ना हजारे जी इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। सब जनता यहां पर सड़कों पर आ गई और ये बोला कि लोकपाल बनाओ। आखिर है क्या ये लोकपाल? इसी लोकपाल के बारे में आज मैं डिटेल में बातें करने वाला हूं। इस लोकपाल की बाल की खाल निकालेंगे, आखिर कहां कहां से क्या क्या इसकी पावर आती है, सब कुछ डिटेल में क्या क्या आप लोगों को जानने को मिलेगा, ये टोटल 11 पॉइंट पर मैं बात करने वाला हूं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहां पर है हमारी कंट्री के बारे में भी और विदेश में जहां से हम लोगों ने ये उठाया है। हमारी कंट्री में अगर देखेंगे पार्लियामेंट में कितनी बार में इसको लेकर आया गया है। अगर बात करेंगे एक्ट तो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट के बारे में बात करेंगे। कंपोजिशन क्या है, कौन कौन यहां पर आता है, कौन इसको अपॉइंट करता है, चेयरपर्सन कौन बन सकता है और कौन चेयरपर्सन नहीं बन सकता है, टर्म ऑफ ऑफिस क्या है, कितने साल तक ऑफिस में रहते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये काम कैसे करता है। सब कहते हैं लोकपाल चाहिए लोकपाल चाहिए, भैया हमारे कंट्री में सीबीआई भी है, सीवीसी भी है, ये भी करप्शन के मुद्दे पर ही बात करती है। तो अब लोकपाल कहां काम करेगा इसमें और कैसे काम करेगा, इसकी जुडिक्शन एरिया कौन सा होगा और जुडिक्शन एरिया में क्या प्राइम मिनिस्टर भी इसके कंट्रोल में आएगा और आएगा तो कौन कौन सी टर्म्स और कंडीशन होगी, लोकपाल की पावर कौन कौन सी होगी, अगर रिटायरमेंट हो जाती है यहां पर जो लोकपाल के मेंबर और चेयरपर्सन है तो उस टाइम पर किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा ताकि रिटायरमेंट के बाद उनको कोई लालच या लोभ नहीं दिया जाए तो ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके। और इससे भी बड़ी बात यह होगी कि अगर भैया ये लोकपाल ही खुद भ्रष्ट हो गया तो फिर क्या, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। तो ये तमाम मुद्दे हम लोग एक एक कर इसी के साथ में और भी कई सारे मुद्दे जो कि आप लोग यहां पर एक माइंड में क्लैरिटी लेकर आएंगे इस कंप्लीट लोकपाल के बारे में। और वीडियो के एंड में एक क्विज होगा जो कि आप लोगों को आंसर देना है और वो आप लोग तभी दे पाएंगे अगर इस वीडियो को आप लोग ढंग से एक तरीके से सुनेंगे कि आप लोग चीजों को समझ रहे हैं, तभी उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग वीडियो के एंड में दे पाएंगे। बाकी जो फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं उनको मैं एक बार बता दूं कि यहां पर डेली आप लोगों को ये वीडियो देखने को मिलती है जिसमें हम लोग पीआईबी द हिंदू न्यूज़पेपर और यहां पर पुराने यूपीएससी के क्वेश्चन या फिर करंट अफेयर क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आप लोग करंट अफेयर कंप्लीट करना चाहते हैं तो कंप्लीट पैकेज है यहां पर जो कि आप लोग एंजॉय कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे कोई भी रुपए इसका चार्ज नहीं किया जाता है। ओके, तो आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं और इसकी गारंटी है कि अगर आप लोग इसको फॉलो कर चलते हैं तो किसी भी करंट अफेयर के क्वेश्चन को आप लोग नहीं छोड़ेंगे एग्जाम में, यानी कि कंप्लीट आप लोग उसको कवर कर लेंगे। आइए अब नजर डालते हैं लोकपाल के ऊपर। लोकपाल अगर हिंदी में इसको देखा जाए, लोकपाल अब लिखेंगे इसको तो इसको बोला जाएगा जनता का रखवाला, यानी के लोकपाल ये एक संस्कृत शब्द है जिसको जनता का रखवाला बोला जाता है। एक साइड में है गवर्नमेंट यानी के राज्य यानी के स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको ये बोलते हैं कि वो एक तरीके से ऐसी गवर्नमेंट है जो कि जनता के वेलफेयर की बात करती है। पर लेकिन क्या हर टाइम वेलफेयर होता है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, उसकी वजह से जो सिटीजन है वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, यानी कि करप्शन के मुद्दे कई बार निकल के आते हैं, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी यानी कि जनता तक जो पहुंचना चाहिए जिसके लिए हमारी जो जनता है गवर्नमेंट को चुनती है वो सारे फायदे जनता तक नहीं पहुंच पाती है, तो उसी का मुद्दा होता है कि क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, बीच में आ जाता है करप्शन। तो इस करप्शन को मिटाने के लिए यहां पर बात की गई लोकपाल की। अब नजर डालते हैं इसकी हिस्ट्री के ऊपर। सबसे पहले हिस्ट्री देखते हैं वर्ल्ड में कहां पर सबसे पहले स्टार्ट किया गया, उसके बाद में हम लोग अपनी कंट्री के ऊपर नजर डालेंगे। सबसे पहले 1809 में स्वीडन से स्टार्ट किया गया। स्वीडन थी वो कंट्री जिसने इसको ओम्बुड्समैन बोला, यानी कि इसके द्वारा जो नाम रखा गया ओम्बुड्समैन वो अलग अलग कंट्री के द्वारा अपने अपने तरीके से इसका नाम चेंज कर लिया गया। हमारी कंट्री में इसको लोकपाल बोला गया सेंटर के लिए और लोकायुक्ता बोला गया स्टेट के लिए। इसी तरीके से जिस कंट्री को जो नाम सुटेबल लगा उसने इसका नाम रख लिया। फिनलैंड में 1919 में आया ये, डेनमार्क में 1955, नॉर्वे में 1962, न्यूजीलैंड फर्स्ट कॉमनवेल्थ कंट्री थी जो 1962 में यहां पर लेकर आई जो कि आप लोग ओम्बुड्समैन जिसको बोल रहे हैं। यूके यूनाइटेड किंगडम, इसके द्वारा ओम्बुड्समैन को बोला गया पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ये 1967 यानी कि 1967 में इसको लेकर आई। ओम्बुड्समैन हमारी कंट्री में लोकपाल या फिर लोकायुक्त जिसको आप लोग बोलते हैं वो काफी लेट आया, तो इसके बारे में जानेंगे आखिर क्या क्या प्रयास किए गए पास्ट में कि अब तक आते आते हम लोग इस टाइम पर इसको लेकर आ पाए। तो इसके बारे में डिटेल में समझते हैं आखिर क्या क्या हम लोगों के द्वारा स्टेप उठाए गए। सबसे पहले ये वे बिल हैं जो कि इंट्रोड्यूस किए गए पार्लियामेंट में, ऐसा नहीं है कि हमारे द्वारा प्रयास नहीं किया गया।
1968 में सबसे पहले इंदिरा गांधी जी के द्वारा काम किया गया, फिर 1971 में फिर से इंदिरा गांधी जी, 1977 यानी कि इमरजेंसी के बाद में 1975 से 77 तक हमारी कंट्री में इमरजेंसी रही, और उसके बाद में मोरारजी देसाई आए यहां पर पीएम बनकर, इनके द्वारा यहां पर फिर यह प्रयास किया गया। 1985 में राजीव गांधी जी के द्वारा प्रयास किया गया, फिर से 1989 में राजीव गांधी जी, फिर यहां पर आगे चलकर जब बात की गई नहीं, फिर वीपी सिंह जी, फिर आगे चलकर 1996 में ये आए देवगौड़ा जी, और फिर आगे 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी, 2001 में फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी, 2011 अगस्त में मनमोहन सिंह जी, और दिसंबर 2011 में फिर से मनमोहन सिंह जी। ये जो सारे बिल थे कुछ तो लैप्स हो गए, क्यों? क्योंकि जो लोकसभा थी वो डिसॉल्व हो गई और कुछ विड्रॉ कर लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये तमाम प्रयास किए गए और फिर भी हमारी कंट्री में लोकपाल या फिर लोकायुक्ता पिक्चर में नहीं आया। अगर 2011 से पहले की यहां पर बात करूं तो देखिए बहुत रेयरली ऐसे लोग थे सोसाइटी में जो लोकपाल के बारे में जानते थे। मैं रियलिटी में बात करूं तो अगर किससे आप लोग पूछते उस टाइम पर 2011 से पहले की लोकपाल होता क्या है, कोई नहीं जानता था। आखिर कैसे हम लोग जान पाए लोकपाल के बारे में? यह था 2011 का अन्ना हजारे जी का मूवमेंट। एक एक बच्चा गली गली में हर एक इंसान आप लोगों को बता सकता था कि हाँ लोकपाल नाम का कुछ हमारी कंट्री में है, वरना इससे पहले यह बिल्कुल ऐसे था जैसे जब तक फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में महात्मा गांधी जी की एंट्री नहीं हुई थी तब तक कांग्रेस एक तरीके से एक ऐसा ग्रुप था जो कि एक तरीके से पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप या फिर अमीरों का ग्रुप था, ये आम जनता से कनेक्ट नहीं था। इसीलिए महात्मा गांधी जी को कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है कांग्रेस के बीच में और जो आम जनता है उसके बीच में। इसी तरीके से जो कनेक्टिंग लिंक है आम जनता के बीच में और जहां पर ये एक तरीके से जो बार बार बिलाए उसके बीच में, जबकि हमको पता भी नहीं चला पास्ट में क्या क्या हो रहा है, और अन्ना हजारे जी के आने के बाद में ये जनता तक पहुंच गया। तो यहां कनेक्टिंग लिंक महात्मा गांधी जी के तरीके से ये है अन्ना हजारे जी, पूरा कंट्री इनके साथ में खड़ा हुआ था। और उस टाइम पर बोला गया कि हमारी कंट्री में भी लोकपाल होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े करप्शन के मुद्दे आ चुके थे एक तरीके से, आप लोगों उस टाइम पर आप लोगों ने सुने भी होंगे, बड़े बड़े घोटाले हो चुके थे यहाँ पर। तो वो सारे जो घोटाले हुए थे, जो कोलगेट वगैरह 2G ये सब जो चीजें चल रही थी उस टाइम पर, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बोला गया कि कम से कम अब हमारी कंट्री में लोकपाल नाम की एक बॉडी होनी चाहिए। इतना कुछ होने के बाद में लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट आया हमारी कंट्री में 2013 में। 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट आने के बाद में सेंट्रल और यूनियन के लिए लोकपाल और राज्य के लिए लोकायुक्त, कोई भी करप्शन का मुद्दा आएगा अगर पब्लिक फंक्शनरी के लिए यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं जो गवर्नमेंट के या फिर आप लोग बोलिए एक तरीके से जनता के जो नौकर होते हैं वो अगर कोई भी करप्शन करेंगे तो लोकपाल उस मुद्दे को देखेगा। और पूरी कंट्री में ये इंप्लीमेंट किया गया यानी कि जम्मू और कश्मीर भी यहां पर इंक्लूड होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है अगर क्वेश्चन बन जाए कि एक्सेप्ट जम्मू और कश्मीर, ऐसी स्टेटमेंट बड़ी जल्दी पूछते हैं एग्जाम में और आप लोग कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये जम्मू और कश्मीर भी पार्ट है लोकपाल का। इसी के साथ में पब्लिक सर्वेंट हमारी कंट्री में और हमारी कंट्री के पब्लिक सर्वेंट जैसे कि एम्बेसडर होते हैं अलग अलग कंट्री में, तो उनके ऊपर भी ये इंप्लीमेंट होगा। तो ये सब चीजें यहां पर इंप्लीमेंट की गई, पर फिर भी हम लोगों को 2011 से 2019 तक वेट करना पड़ा जब हमारी कंट्री में लोकपाल इंप्लीमेंट किया गया। पिनाकी चंद्र घोष हमारी कंट्री के फर्स्ट लोकपाल बने 2019 में जाकर। तो 2019 में जो फर्स्ट लोकपाल बने इसके बीच का जो मुद्दा था आखिर क्यों लोकपाल अपॉइंट नहीं किया 2013 से लेके 2019 तक, तो ये बात बोली जाती है हमारी कंट्री में जब 2014 में इलेक्शन हुए तो उस टाइम पर लीडर ऑफ अपोजिशन की जो पोस्ट थी वो ऐसी कोई भी पार्टी नहीं थी जिसके पास मिनिमम 10% सीट हो। 10% सीट का मतलब यानी कि 545 सीट हैं लोकसभा में जो इलेक्शन के लिए जाती हैं, वैसे तो 543 हैं और यहां पर दो जो होती हैं वो नॉमिनेटेड सीट होती हैं। तो ये जो 543 का 10% निकालते हैं तो 54 सीट आती है। कोई भी गवर्नमेंट कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जिसके पास में 10% यानी कि 10% यानी कि 54 सीटें हो, तो इससे कम सीट थी। इसीलिए बार बार जब भी यहां पर इसको अपॉइंट करने की बात कर रहे थे तो एक कमेटी होती है जो कि यहां पर सिलेक्शन करती है, जिसको सिलेक्शन पैनल एक कमेटी होता है पूरा, उसको जो चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो ये जो कमेटी थी ये यहां पर इस कमेटी में जो लीडर ऑफ अपोजिशन की कोई पोस्ट ही नहीं थी और इसकी चलते चलते जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे जिनको दर्जा दिया गया लीडर ऑफ अपोजिशन का उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया और यहां पर ये इसमें अमेंडमेंट करने के लिए तैयार नहीं थे, यानी कि जो लॉ बनाया गया उसमें अमेंडमेंट करने के लिए तैयार नहीं थे कि लीडर ऑफ जहां पर अपोजिशन की जगह उसे ये कर दो लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन, पर लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो ये मुद्दा काफी लंबे समय तक खिंचता रहा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई बार फटकार लगाई गई कि भैया ये क्या मुद्दा है, आप लोग इसको क्यों चेंज नहीं कर रहे हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार बार फटकार लगाई गई तब जाकर 2019 में यहां पर पहला हमारा जो यहां पर लोकपाल है उसको अपॉइंट किया गया। और लोकपाल को बिल्कुल आप लोग ऐसे देख सकते हैं जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट एक पर्सन नहीं है वो एक ऑफिस है, इसी तरीके से लोकपाल भी यहां पर एक पर्सन नहीं है, ये एक पूरा ऑफिस है जो कि पूरा प्रॉपर वे में काम करेगा। काम कैसे कैसे करेगा और क्या क्या बातें हैं वो हम अभी इसके बारे में जानेंगे।
सबसे पहले जानते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन की बात करें तो देखें यहां पर इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है, यानी कि ये एक संवैधानिक बॉडी नहीं है। तो क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये क्या होता है, लॉ के द्वारा बनाई गई, स्टैट्यूट के द्वारा बनाई गई, पार्लियामेंट में लॉ पास कर बनाई गई ये बॉडी। इस बॉडी में टोटल मिलाकर 9 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 9 मेंबर में कौन है, यहां पर एक तो चेयरपर्सन हो गया और 8 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं। मैक्सिमम का मतलब इससे कम भी यहां पर चल जाएंगे, पर मैक्सिमम 8 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो टोटल मिलाकर 9 मेंबर होंगे। अगर चेयरपर्सन को अलग हटा दें तो टोटल मिलाकर 50-50% यहां पर डिवाइड कर दिया गया है। 50% तो यहां पर जुडिशियल मेंबर होंगे, जो कि जुडिशियरी जिनका बैकग्राउंड होगा। इसी के साथ में जो 50% मेंबर होंगे वो यहां पर रहेंगे या तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी या फिर वोमेन। तो इस प्रकार यहां पर ये सेक्शन है, एक तरीके से आप लोग इसको रिजर्व सेक्शन बोल सकते हैं। इस तरीके से डिवाइड किया गया यहां पर लोकपाल को, ताकि हर एक पार्ट सोसाइटी का रिप्रेजेंट कर सके, यानी कि हर एक पार्ट से रिप्रेजेंटेशन निकलकर आ सके। ये बात हो गई यहां पर इसके बारे में। अब बात करते हैं यहां पर चेयरमैन कौन बन सकता है। सबसे पहली बात यह बोली गई, या तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए या फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज होना चाहिए, तो यह मुद्दा बोला गया। फिर इसी के साथ में, या फिर कोई एमिनेंट पर्सन भी हो सकता है। आखिर वो पर्सन कौन होगा, वो पर्सन वो होगा जिसकी आउटस्टैंडिंग एबिलिटी होगी, यानी कि बहुत शानदार वाली नॉलेज होगी, मिनिमम 25 साल का उसको एक्सपीरियंस होगा एंटी करप्शन पॉलिसीज में, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर जो विजिलेंस का काम करते हैं उनमें, या फिर फाइनेंस में, या फिर इंश्योरेंस बैंकिंग लॉ मैनेजमेंट किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में। यानी कि 25 साल का एक्सपीरियंस होगा तभी ये पर्सन यहां पर इस पर्टिकुलर पोस्ट पर आ सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट करता है यहां पर ये एक कमिटी है जिसमें 5 मेंबर हैं। कौन है यहां पर, प्राइम मिनिस्टर है, इसी के साथ में यहां पर लीडर ऑफ, जो यहां पर लोकसभा स्पीकर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर ये किसी और मेंबर को नॉमिनेट यहां पर कर सकते हैं, और एक एमिनेंट पर्सन है जो कि यहां पर इसको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट यहां पर अपॉइंट करेंगे, जो सिलेक्टिंग कमिटी होगी। तो टोटल मिला के 5 मेंबर यहां पर होंगे। 5 मेंबर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चली थी लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में चल रही थी, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। पर लेकिन इन 5 मेंबर तक भी यहां पर जो मेंबर आएंगे उनमें से चुनने के लिए, इन 5 मेंबर तक भी यहां पर एक सर्च कमिटी है, वो सर्च कमिटी इन 5 मेंबर तक यहां पर मेंबर को भेजेगी। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें भी कई सारे मेंबर थे। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर, इससे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो इसके बारे में आप लोगों को जरूर याद रखना है। इसी के साथ में जब बात करें कि कौन यहां पर चेयरपर्सन नहीं बन सकता है, तो ये भी बात होगी, यानी कि अगर किसी ऐसे पर्सन को हम लोगों ने चेयरपर्सन बना दिया जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, या फिर किसी अलग तरीके से वो किसी ऑफेंस में कन्विक्टेड पाया गया है, किसी मर्डर के केस में या फिर किसी और केस में, लेस देन 45 ईयर नहीं होना चाहिए। 25 साल तो यार आप लोगों ने एक्सपीरियंस ही बोल दिया, तो 45 ईयर कहां से हो जाएगा, तो इससे कम नहीं होना चाहिए। म्यूनसिपैलिटी या फिर पंचायत का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। पब्लिक सर्विस से कभी भी उसको डिसमिस न किया गया हो या फिर रिमूव न किया गया हो। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसका नहीं होना चाहिए, या फिर अगर हो तो उसको छोड़ देना चाहिए अगर कहीं भी वो एक्स्ट्रा जॉब कर रहा है, अगर वो लोकपाल को ज्वाइन करना चाहता है तो। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वो पर्सन न हो, और इसी के साथ में कोई उसका खुद का बिजनेस न चल रहा हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होगा तो अपने फायदे के लिए इंसान कई बार गलत डिसीजन ले लेता है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है चेयरपर्सन होने के, ये क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए तभी वो पर्सन चेयरपर्सन बन सकेगा। टर्म ऑफ ऑफिस की बात करते हैं यहां पर, या तो 5 साल तक ऑफिस में रहेगा या फिर 70 साल। आप लोगों को यहां पर देखने को मिला है 5 साल 70 साल, क्योंकि रीजन ये है, क्योंकि बोला गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जो जज है सुप्रीम कोर्ट का वो, यानी कि कहने का मतलब ये, जब अपनी पोस्ट से वो रिटायर होंगे तभी तो यहां तक आएंगे, इसलिए यहां पर इसको 70 साल रखा गया है। चलिए आप लोग ये बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन, जब यहां पर 70 साल रखा गया है तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं तो उनकी रिटायरमेंट एज क्या होती है, ये कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए। पॉलिटी के जो लेक्चर मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाई है, सारी कंप्लीट पॉलिटी आप लोगों को कवर कराई जा चुकी है, तो वहां पर डिटेल में आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी है। जिस किसी ने पॉलिटी के लेक्चर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, लक्ष्मीकांत कंप्लीट बुक आप लोगों को कराई जा चुकी है, तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। अगर बात करें सैलरी और अलाउंसेस की, जो भी यहां पर फायदे पहुंचाने वाली बात है यहां पर, तो जो चेयरपर्सन है उसको यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट सैलरी मिलेगी, और जो यहां पर मेंबर ऑफ लोकपाल है उनको सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट सैलरी मिलेगी। अगर यहां पर ये इनको पेंशन मिल रही है, यानी कि रिटायर हो चुके हैं, तो वो यहां से इनकी सैलरी से कट हो जाएगी, यानी कि सैलरी यहां पर मिलेगी पेंशन को घटाने के बाद में, ठीक है, यानी कि पेंशन भी लेंगे सैलरी लेंगे दोनों चीजें नहीं मिलने वाली है, ओके। इसी के साथ में जो यहां से पैसा आएगा ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकल कर आएगा। कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट के हाथ में, अगर आप देखें कि यहां पर जो भी इंसान चाहे कि हाँ एक गवर्नमेंट आई उसने चेंज कर दिया, कल को आई दूसरे ने चेंज कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं फिक्स हो गया। जिस तरीके से दूसरी सैलरीज निकाली जाती हैं, कंसोलिडेटेड फंड से निकालने का मतलब है कि इंडिपेंडेंट बॉडी हो गई, प्रेशर में काम नहीं करेगी।
अगर कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन बनती है, यानी कि अगर पर्सन यहां पर ऑफिस में मर जाता है या फिर अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देता है, तो सीनियर मोस्ट मेंबर जो होगा यहां पर उसको चेयरपर्सन बना दिया जाएगा, यानी कि जो 8 मेंबर है उसमें से जो भी सीनियर होगा उसको चेयरपर्सन बना दिया जाएगा। इसी के साथ में अगर छुट्टी पर है वो पर्सन जो कि चेयरमैन है या फिर किसी और रीजन की वजह से लीव ले रखी है, तो भी यहां पर सीनियर मोस्ट मेंबर जो होगा, यानी कि जो सबसे बुजुर्ग इंसान यहां पर होगा, वो चेयरपर्सन बना दिया जाएगा। अब ये बात है कि किस किस एरिया में ये अपना काम करेगी, यानी कि जुडिशन क्या है। पहली बात है यहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस क्या इसके अंडर में आ रहा है? हाँ, अंडर में आ रहा है, पर लेकिन सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशंस यहां पर लगाई गई हैं। वो कंडीशन क्या है नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा ऑल मिनिस्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखने को मिलेंगे, ए ग्रेड या बी ग्रेड के जो भी ऑफिसर हैं यहां पर, यानी कि जो भी यहां पर यूपीएससी के थ्रू या फिर जो सीजीएल के थ्रू भी सिलेक्ट किए जाते हैं बी ग्रेड ऑफिसर या फिर सी ग्रेड ऑफिसर, तो ये सारे यहां पर इसके अंडर में आ जाएंगे। डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, कोई दूसरी बॉडी जो कि खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, वो सारे इसके अंडर में आ जाएंगे। कोई भी पर्सन जो यहां पर ब्राइब लेता हुआ पकड़ा गया और ब्राइब देता हुआ पकड़ा गया, वे भी सब यहां पर इसके अंडर में आ जाएंगे। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा था कि क्या प्राइम मिनिस्टर को लोकपाल के अंडर में लाना है। फ्यूचर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या प्राइम मिनिस्टर लोकपाल के अंडर में है, तो जी हां, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर लोकपाल के अंडर में है, पर लेकिन कुछ कंडीशन है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है तो देखिए कुछ तो छूट देनी पड़ेगी, वरना पूरी कंट्री का जो कार्यक्रम है वो रुक जाएगा, क्योंकि पूरा दामोदार इन्हीं के कंधे पर होता है प्राइम मिनिस्टर के, तो इसीलिए उनको कुछ छूट दी गई है। लोकपाल जो है वो यहां पर प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या इंक्वायरी कर सकता है कि प्राइम मिनिस्टर किस किस मुद्दे में है और किस किस मुद्दे में नहीं है, तो सबसे पहली बात बोली जा रही है अगर कोई इंटरनेशनल रिलेशन है या फिर एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी की बात की जा रही है हमारी कंट्री की, लॉ एंड ऑर्डर बनाने की बात की जा रही है हमारी कंट्री में, एटॉमिक एनर्जी या फिर स्पेस के बारे में बात की जा रही है, तो ये एरिया है, अगर इनमें कोई करप्शन का मुद्दा निकल कर आता है तो लोकपाल वहां पर इंक्वायरी नहीं करेगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे एरिया हैं जिसके दायरे से बाहर रखना लोकपाल को जरूरी, इसको प्राइम मिनिस्टर को जरूरी समझा गया लोकपाल के दायरे से बाहर रखना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत सारे काम ऐसे थे जो ठप पड़ जाएंगे अगर प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस में नहीं होंगे, तो कंट्री की ग्रोथ ही रुक जाएगी, कहने का मतलब यहां पर या दूसरी कंट्री के साथ में रिलेशन बिगड़ जाएंगे, तो ये हमारी कंट्री की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी, तो इसलिए यहां पर ये मुद्दे बाहर रखे गए हैं। तो अब यहां पर बाकी के इसके अलावा जो भी सारे मुद्दे रहेंगे, अगर किसी भी संलिप्त पाया जाता है मुद्दे में प्राइम मिनिस्टर, तो वो सब इसके अंडर में आ जाएगा। तो अब बात करते हैं, मुद्दा अंडर में आएगा तो कैसे काम होगा, अगर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इंक्वायरी चलानी है कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या काम किया जाएगा, तो दो कंडीशन है इसके लिए। पहली कंडीशन तो यह है कि इंक्वायरी इनिशिएट करनी है उसके लिए चेयरपर्सन और जो सारे के सारे मेंबर हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए और वो फुल बेंच यहां पर होनी चाहिए, यानी कि चेयरपर्सन और 8 मेंबर सारे मिलकर यहां पर इंक्वायरी को इनिशिएट करेंगे, अगर एक भी एब्सेंट होगा तो इंक्वायरी इनिशिएट नहीं की जाएगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि 2/3 जो यहां पर मेंबर है वो उसको अप्रूव करेंगे, तभी जाकर यहां पर इसको स्टार्ट किया जाएगा, और ये भी सारा काम किया जाएगा कैमरा चलता रहेगा, यानी कि सारा काम अंडर सर्विलेंस होगा। अब 2/3 कितने मेंबर होंगे, तो ये भी आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो 2/3 बोला गया है यहां पर, तो यहां पर टोटल 9 मेंबर है, तो 3 ये हो गए यहां पर 9 और 3 × 2 = 6, तो टोटल मिलाकर 6 मेंबर यहां पर होने चाहिए जो कि यहां पर सपोर्ट करें कि हाँ प्राइम मिनिस्टर ने गलती की है, तो तब जाकर यहां पर इसको स्टार्ट किया जाएगा। अगर यहां पर ये गलत पाया गया कि यहां पर ये गलत है, गलत तरीके से उनके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो जो प्रोसीडिंग होगी उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा, यानी कि पब्लिश उसको नहीं किया जाएगा और वो लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होगी, यानी कि अगर यहां पर संलिप्त पाए जाते हैं किसी ऐसी इंक्वायरी में तो ही यहां पर वो पब्लिक में आएगी, वरना ये अंदर ही अंदर पूरा मैटर खत्म हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की गरिमा बनाकर रखी जाएगी। तो ये कंडीशन है जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अब आखिर काम कैसे करेगा लोकपाल, सबसे पहली बात यहां पर यह लोकपाल के काम करने का जो दायरा है वो तब है जब यहां पर कोई कंप्लेन लेकर जाता है, कोई कंप्लेन लेकर जाएगा तभी लोकपाल अपना काम स्टार्ट करेगा, शू मोटो एक्शन ये नहीं लेगा, कोई कंप्लेन जाएगा तो यहां पर ये काम स्टार्ट करेगा, तो जैसे ही कंप्लेन जाती है वैसे ही कंडीशन होगी कि यहां पर उसको डिसाइड करेंगे कि इसको प्रोसीड करना है या नहीं करना है, ये जो डिसाइड किया जाएगा ये प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरी है, इनके स्टार्टिंग में जो इंक्वायरी की जाएगी ये इंक्वायरी विंग करेगी और वो देखेगी यहां पर कि अपने पास केस रखना है या फिर ये दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट यानी कि सीबीआई के पास में इसको भेजना है, तो यहां पर ये डिसीजन लिया जाएगा लोकपाल की इंक्वायरी विंग जो यहां पर काम करेगी। और अगर कोई यहां पर इंक्वायरी चलनी है तो 90 दिन के अंदर अंदर वो यहां पर कंप्लीट होनी है या फिर फर्दर 90 दिन और इंक्रीज की जा सकती है, पर लेकिन राइटिंग में रीजन देना पड़ेगा कि पहले 90 दिनों में आप लोगों ने काम कंप्लीट क्यों नहीं किया, अगले 90 दिन आप लोगों को क्यों चाहिए, और इस तरीके से मिला के ये 90 और 90 हो गया 180 यहां की, यानी कि टोटल मिलाकर 6 महीने यहां पर हो गया जो कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यहां पर आप लोगों को 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करनी है। अब 3 काफी इंपॉर्टेंट ऑफिस होंगे यहां पर लोकपाल के अंदर, ये 3 इंपॉर्टेंट जो ऑफिसर होंगे यहां पर ये होंगे सेक्रेटरी टू द लोकपाल,
इसको बोलते हैं लोकपाल के सचिव, डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी यानी कि जो जांच के निर्देश करने वाला यहां पर रहेगी एक वो वाला, दूसरा रहेगा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन यानी कि जो अभियोजन जो यहां पर होगा, एक तरीके से आप लोगों ने सुना होगा इंपीचमेंट करते हैं प्रेसिडेंट का, तो महाभियोग बोलते हैं उसको। तो इस तरीके से जो प्रोसिक्यूट करने वाला एक तरीके से एक ये वाला डिपार्टमेंट होगा। तो टोटल मिलाकर 3 यहां पर ऑफिसर होंगे जो कि यहां पर पूरी सिचुएशन को हैंडल कर चलेंगे। सेक्रेटरी जो होगा वो अपॉइंट करा जाएगा चेयरपर्सन के द्वारा लोकपाल के पर, लेकिन पैनल यहां पर जो रहेगा वो सेंड किया जाएगा किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिन मेंबर को सेंड करेगी उनमें से यहां पर सेक्रेटरी को चुना जाएगा, पहली बात। दूसरा, जो डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है ये क्या रहेंगे, इनकी जो बोला जा रहा है कि यहां पर ये एडिशनल सेक्रेटरी की रैंक के नीचे नहीं हो सकते, यानी कि मिनिमम जो इनकी रैंक होगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं उनकी रैंक के इक्वल होगी यहां पर, ठीक है, यानी कि उससे कम रैंक का नहीं हो सकता है। ये ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे चेयरपर्सन के द्वारा, यानी कि ये भी चेयरपर्सन के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, तीनों के तीनों चेयरपर्सन के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, इनडायरेक्ट वे में ये बोल सकते हैं। ओके, आगे चलता हूं। अब दोनों जो विंग है वो अपना अपना काम करेगी, इंक्वायरी वाली विंग इंक्वायरी करेगी यहां पर और डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी यहां पर इसको हेड करेंगे। इसी तरीके से जो ये काम करेगी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन जो एक्ट है उसके हिसाब से अगर कोई भी बंदा संलिप्त पाया जाता है कोई गलत एक्टिविटीज में तो ये इसके हिसाब से यहां पर उसकी इंक्वायरी करेगी। और फिर जो प्रोसिक्यूशन विंग होगी वो इसको आगे हेड करेगी, ये जो विंग होगी ये डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के द्वारा हेड की जाएगी और फिर चलकर यहां पर पूरा पब्लिक में मैटर रखा जाएगा किस तरीके से यहां पर कि ये प्रॉब्लम है यहां पर, यानी कि पूरा मैटर यहां पर इन दो विंग से होता हुआ आगे निकल कर आएगा। ये था इनका काम करने का तरीका। अब जानते हैं अगर यहां पर रिटायरमेंट हो जाती है इनकी तो क्या से काम चलेगा, यानी कि रिटायरमेंट हो जाती है तो ताकि इनको कोई एक तरीके से अपने झांसे में ना ला सके कि हाँ भैया हमारा फेवर कर लो, अब जब आप लोग रिटायर हो गए तो आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना देंगे, आपको उसका डायरेक्टर बना देंगे, ये वो फलाना ढिमकाना, तो इन सब चीजों से इंडिपेंडेंट रख सके उसके लिए क्या बात की जा रही है। चेयरपर्सन हो चाहे यहां पर मेंबर हो लोकपाल के, तो ये कंडीशन उनके सामने है कि उनको अपॉइंट नहीं किया जा सकता चेयरपर्सन या फिर मेंबर ऑफ लोकपाल का, रीअपॉइंट उनको नहीं कर सकते, यानी कि एक बार अपॉइंट करने के बाद में रीअपॉइंट नहीं करेंगे, इसलिए उनके माइंड में कोई भी लालच नहीं होगा। उसको किसी भी डिप्लोमेटिक असाइनमेंट नहीं दिया जाएगा, यानी कि किसी भी कमेटी का चेयरमैन बना दिया या फिर कुछ ऐसा कर दिया वो इनको नहीं किया जाएगा। आगे यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर उनको नहीं बनाया जाएगा या फिर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या स्टेचुटरी पोस्ट के लिए उनको अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा दी जाती है पोस्ट। इसी के साथ में वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमएलए, एमसी या फिर लोकल बॉडी 5 साल तक, जब तक पोस्ट छोड़ने के 5 साल तक यानी कि कूलिंग पीरियड रहेगा उससे बाद में इलेक्शन लड़ सकते हैं, उसके पहले ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट आप लोग स्टेप बोल सकते हैं, इस तरीके का इंपॉर्टेंट स्टेप ये इसलिए है क्योंकि जब यहां पर ये फंडा पिक्चर में आता है तो ये कहीं ना कहीं डिसाइड कर पाता है कि हाँ अब इंडिपेंडेंट होगा ये ऑफिस, कोई भी यहां पर इसको लुभा नहीं पाएगा और ये एक तरीके से इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा। अब बात करते हैं पावर की, पावर किस किस है, किस कैसी है, इसकी कौन इसके अंडर में है। तो सीबीआई जो रहेगी यहां पर ये लोकपाल के अंडर के हिसाब से इसकी डायरेक्शन के हिसाब से काम करेगी। अगर सीबीआई को ये कोई केस यहां पर ट्रांसफर कर देता है तो इसके अप्रूवल के बिना सीबीआई का जो डायरेक्टर होगा या ऑफिसर होंगे उसको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा जब तक कि लोकपाल यहां पर अप्रूव न कर दे। और इसी के साथ में जो इंक्वायरी विंग है लोकपाल की वो एक तरीके से सिविल कोर्ट का काम करेगी। सिविल कोर्ट मतलब जहां पर टैक्स से रिलेटेड मैटर चले गए, शादी विवाह से रिलेटेड मैटर चले गए, यानी कि कोई ऐसा रेप, फांसी, सजा या कोई ऐसे केस ना आए वहां पर मर्डर कर जो सिविल मैटर होते हैं, क्रिमिनली सिविल मैटर होते हैं, तो उसका यहां पर एक तरीके से दर्जा इसको दिया गया है। लोकपाल की जो पावर है यहां पर ये एक तरीके से अगर किसी के कोई ऐसा संलिप्त पाया जाता है अलग तरीके से, गलत तरीके से पैसा कमाया हो, कहीं से बेनिफिट उठा रहा है, कोई करप्शन के मुद्दे में संलिप्त पाया जा रहा है, तो ये तमाम जो मुद्दे हैं यहां पर ये एक तरीके से उसकी एक तरीके से सारी संपत्ति भी जब्त की जाती है लोकपाल के द्वारा, तो ये भी पावर है। यानी कि अगर कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेज, ऐसी कंडीशन बनती है तो जैसे आप लोग नीरव मोदी टाइप के बंदे ले लीजिए या फिर माल्या टाइप के बंदे ले लीजिए, तो इनकी संपत्ति भी जब्त यहां पर की जा सकती है, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन ये क्या बात चल रही है, ये गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए चल रही है। अगर कोई गवर्नमेंट के ऑफिस का अंदर का बंदा कोई ऐसी हरकतें करता है तो उसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है, ये है बोलने वाली बात, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही क्यों ना हो। जी हां, ये आप लोगों ने सही सुना। अब बात करते हैं ये रिकमेंड कर सकते हैं यहां पर, जिस तरीके से मान लीजिए अगर कोई करप्शन में संलिप्त पाया जाता है तो उसको यहां पर ट्रांसफर करने की बात कर सकता है और उसको सस्पेंड भी करा सकता है। ये रिकमेंड कर सकता है गवर्नमेंट को कि इसको सस्पेंड कर दो इस पर्सन को, या फिर आईएएस हो, आईपीएस ऑफिसर हो या कोई भी क्यों ना हो, अगर संलिप्त पाया जाता है यहां पर इसमें, ठीक है ना, इस मुद्दे में यहां पर संलिप्त पाया जाता है करप्शन वगैरह में। लोकपाल की जो पावर होती है वो डायरेक्शन दे सकती है एक तरीके से, क्या है यहां पर अगर कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के टाइम पर रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो देखिए उसके लिए भी यहां पर कंट्रोल करने की इसके हाथ में पावर है। तो यहां तक की पावर लोकपाल के हाथ में है, तो ये आप लोगों के सामने कुछ मुद्दे हैं। इसी के साथ में
जो रिकमेंडेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये एक तरीके से बोल सकता है कि किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर स्पेशल कोर्ट बैठा हो भैया, जल्दी से जल्दी मैटर की सुनवाई हो और ये केस टू केस यहाँ पर डिसाइड किया जा सकता है। तो कौन कौन यहाँ पर डिसाइड करेगा, एक तो यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के हिसाब से काम चलेगा और दूसरा लोकपाल एक्ट के हिसाब से काम चलेगा। ये दो एक्ट होंगे जिसका सहारा लेकर पूरा केस की इंक्वायरी यहाँ पर की जाएगी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे शानदार क्वेश्चन, ये सारी पावर आप लोगों ने लोकपाल को दे दी, ये सारे मुद्दे लोकपाल के हाथ में चले गए, अगर लोकपाल करप्ट पाया जाता है तो क्या होगा। सेक्शन 37 लोकपाल एक्ट का ये बोलता है कि अगर कोई ऐसा मुद्दा होता है तो लोकपाल उसके इंक्वायरी नहीं करेगा क्योंकि वो खुद ही संलिप्त है उसके मेंबर, तो ये लोकपाल के जुडिक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, ये जो इंक्वायरी होगी वो कैसे की जाएगी, ये काम करेगा चाहे चेयरपर्सन हो चाहे मेंबर हो, तो यहां पर काम क्या होगा वो प्रेसिडेंट के अंडर में चला जाएगा मैटर। अब यहां पर ये प्रेसिडेंट को अगर लगता है तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, यहां पर अगर कुछ लगता है मिसबिहेव उनके द्वारा किया गया है, उल्टी सीधी कोई हरकतें की गई है, तो प्रेसिडेंट यहां पर वो मैटर सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर करेगा। पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट को मैटर तभी ट्रांसफर करेगा जब एमपीज यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस पर साइन करते हैं, 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस पर सिग्नेचर करेंगे तभी जाकर प्रेसिडेंट वो मैटर सुप्रीम कोर्ट को रेफर करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें जाकर देखेगा कि मैटर सही है या गलत है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यहां पर गलत हुआ है, लोकपाल जो है वो गलत तरीके से यहां पर संलिप्त पाए गए हैं, तो फिर यहां पर प्रेसिडेंट उनको रिमूव करेगा। कहने का मतलब ये आसान नहीं है रिमूव करना, ये किया गया उसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। तो ये काफी अच्छा मुद्दा आप लोग बोल सकते हैं, 100 मेंबर मिनिमम साइन करने के बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये बिल्कुल क्लीन क्लियर है, इनके ऊपर कोई भी ऐसा करप्शन का चार्ज नहीं है, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, तो फिर भी यहां पर इसको कोई हटा नहीं सकता है। तो इसीलिए उसको इंडिपेंडेंट रखने की काफी जरूरत थी और ये एक अच्छा यहां पर स्टेप उठाया गया है। आगे बात करते हैं, प्रेसिडेंट एक और मुद्दे पर इनको हटा सकता है, इनका दिवालिया निकल गया हो, दिवालिया घोषित हो गए हो, या फिर ये अनफिट हो यानी कि माइंड जो है इनका खराब हो गया हो किसी तरीके से, या कोई ऐसी कंडीशन बन गई हो लगे कि इनका माइंड बॉडी ठीक नहीं है, तो तब भी इनको हटा सकते हैं। यानी कि पागल तरीके का कोई इंसान अगर हो जाए किसी सिचुएशन, कोई एक तरीके का शोक लगने की वजह से, तो तब भी प्रेसिडेंट यहां पर इसको हटा सकता है। तो दो मुद्दे हैं यहां पर, अगर यहां पर लोकपाल खुद सम्मिलित पाया जाता है तो यहां पर उसको हटाया जा सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है आप लोगों से। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैटर हैं, इनमें से डायरेक्ट आप लोगों के कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और फ्रीक्वेंटली ये न्यूज में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जैसे जैसे यहां पर हमारी कंट्री में जो ऑर्गेनाइजेशन है ढंग से काम करना आगे स्टार्ट करेगी। बात करें अगर लोकपाल की, इसका बजट जो होगा यहां पर, तो देखिए ये अपना बजट पूरा प्रिपेयर करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेंगे और फिर वहां से इनका बजट निकलकर आएगा। जो भी इनके चार्जेस होंगे, जो कि इनके एक्सपेंडिचर होंगे, चाहे मेंबर चेयरपर्सन या फिर डायरेक्टर इंक्वायरी में पैसा लगेगा, किसी को प्रोसिक्यूशन या डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, वो सब चीजें वो सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलकर आएंगे। इनका जो भी पैसा निकलकर आएगा, इनके अकाउंट की जो इंक्वायरी करेगा वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग यहां पर इनकी इंक्वायरी करेगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ईच मेंबर और ऑफिस जो है यहां पर, ऑफिसर जो है लोकपाल के, वो यहां पर डिक्लेयर करेंगे अपनी एसेट यानी कि कितना उनके पास में पैसा है। पता चला लोकपाल अपॉइंट किया, उनकी 50 लाख थी उनकी, उनके पास में जो धन और जैसे ही वहां से निकले वो 50 करोड़ हो गया, यानी कि इन्होंने छोड़ दिया किसी ने किसी को या फिर कहीं पर करप्शन का काम इन्होंने खुद ही कर डाला। तो इसलिए अपनी एसेट डिक्लेयर करेंगे और फिर चेक की जाएगी जब वो अपना पोस्ट छोड़कर जाते हैं कि उनके पास में कितनी एसेट है, तो यह भी चेक किया जाएगा। लोकपाल प्रिपेयर करेगा एनुअल रिपोर्ट और वो एनुअल रिपोर्ट यहां पर पार्लियामेंट के दोनों हाउस में जाएगी और प्रेसिडेंट को सबमिट की जाएगी, प्रेसिडेंट दोनों हाउस में रखेंगे उसको, लोकसभा और राज्यसभा में, तो ये भी चेक किया जाएगा। इसी के साथ में 7 साल या फिर उससे पुराना जो मैटर होगा ये यहां पर इंक्वायरी उसकी नहीं करेगा, यानी कि इसके अंडर ही मैटर होना चाहिए तभी ये उसकी इंक्वायरी करेंगे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये मिसलेनियस पॉइंट है जो कि डायरेक्ट आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अब नजर डालते हैं क्विज के ऊपर जो कि ये तय करेगा कि आप लोगों ने लेक्चर को ध्यान से सुना है या फिर ध्यान से नहीं सुना है। ये अगर आप लोग इस क्विज का आंसर दे पाए तो सही है, अगर क्विज का आंसर नहीं दे पाए तो लेक्चर को फिर से सुनिएगा, आप लोगों को सारे क्वेश्चन के आंसर वीडियो के अंदर ही मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ओम्बुड्समैन जो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में क्रिएट किया गया 1809 में किस कंट्री के द्वारा क्रिएट किया गया। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, यूके के द्वारा ओम्बुड्समैन जैसा इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया उसका नाम इन्होंने क्या रखा जो कि 1967 में क्रिएट किया गया। हमारी कंट्री के फर्स्ट लोकपाल कौन बने, ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जो कि लोकपाल बनाए गए थे, ये आप लोगों को बताना है और ये एक एवरग्रीन क्वेश्चन है, फ्यूचर में भी आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। 8 मेंबर जो लोकपाल के हैं इसमें से 50% तो है जुडिशियल मेंबर, 50% है यहां पर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और एक और सेक्शन है यहां पर इस 50% में इंक्लूड, उस सेक्शन का नाम आप लोगों को बताना है। लोकपाल का जो चेयरमैन या फिर मेंबर है 5 साल या फिर कितनी एज यहां पर होनी चाहिए जो कि यहां पर मिनिमम जो अटेंड करेंगे यहां पर, जब यहां पर ये एक तरीके से इनका टाइम कंप्लीट होगा,
अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें यहाँ पर तो दो कंडीशन है जिसके तहत ये प्राइम मिनिस्टर को एक तरीके से अपने अंडर में लेकर आ सकते हैं इंक्वायरी के। पहली तो कंडीशन यहाँ पर ये है कि इंक्वायरी तब स्टार्ट होगी जब सारे मेंबर और चेयरपर्सन यहाँ पर रहेंगे, तब इंक्वायरी स्टार्ट की जाएगी। दूसरी कंडीशन यहाँ पर यह है कि कितने परसेंट यहाँ पर एटलीस्ट जो मेंबर यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए जब ये इंक्वायरी स्टार्ट की जाएगी, यानी कि ये कैमरे के अंदर इंक्वायरी होगी, तो वो वोट कितने परसेंट होगी जो यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर चेयरपर्सन या फिर मेंबर की, अगर यहाँ पर उनको ऑफिस से हटाना है तो यहाँ पर ये मैटर जाएगा प्रेजिडेंट के पास से सुप्रीम कोर्ट भेजेगा, पर लेकिन उससे पहले वो पिटीशन कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर साइन करेंगे ये आप लोगों को बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इनका आंसर दिया दिया तो इसका मतलब आप लोगों ने लेक्चर अच्छे से सुना है, अगर इनका आंसर नहीं दिया तो फिर से लेक्चर को सुनिए, तमाम क्वेश्चन के आंसर वीडियो के अंदर ही आप लोगों को मिल जाएंगे। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, बाकी इसके अलावा आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं फेसबुक पे, वीर तालियान के नाम से फेसबुक का पेज है, ये है यहाँ पर टेलीग्राम जो कि यहाँ पर लेक्चर की पीडीएफ और इसके अलावा अगर नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में नहीं पहुंचता है तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं, फेसबुक पर इसके अलावा और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें शेयर की जाती हैं जो कि आप लोगों को एग्जाम में भी और वैसे भी आप लोगों को फायदा पहुंचा सकती हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा, अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिए, अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक कीजिए और डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है, और जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए, आपका भी भला होगा और सामने वाले का भी भला होगा। तो ये था टोटल डिस्कशन, बड़ों को नमस्ते छोटों को प्यार, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक एंजॉय करो लाइफ को और इसी के साथ में अपना रिवीजन भी करते रहो। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।